देश भर में दलितों के साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ नंदन गांव में दलित महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद शरद यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सांसद शरद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम नंदन गांव में मुख्यमंत्री को देखने को मिला और साथ ही दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। जो वादा है कहा था कि हम किसान को और नौजवान को रोजगार देंगे और किसान के डेढ़ गुना जो दिल्ली में दाम दाम तय होते हैं उसका डेढ़ गुना। महापंचायत का क्या फैसला है मिला करके जी आप देखेंगे तो भारत महापंचायत का क्या फैसला है आज जो महापंचायत तो क्या फैसला है पंचायत का फैसला ये है कि जो अन्याय हुआ है सारे केस वापिस करो जी जी और यदि आप चारों तरफ यानी विकास के लिए घूम रहे हो तो न्याय दृष्टि अपने पीछे दिमाग में रखो। वहीं सरकार के खिलाफ 11 मार्च को पूरे राज्य में बेरोजगार मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें 18 से लेकर 40 साल तक के युवा शामिल होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।